गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो आज हम हमारा चैप्टर सिक्स डिवीजन स्टार्ट करेंगे देखो तो आप सबके क्लास टूम में डिवीजन पढ़े हो तो थोड़ा थोड़ा आता होगा तो आगे पढ़ेंगे देखो डिवीजन इज ऑल्सो नॉन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बट डॉन एट वन स्ट्रोक सपोज द टीचर हैज हैजेंटी टॉफिस एंड ही टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली टू द फोर स्टूडेंट्स हु स्टूड फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इन ए टेस्ट वट डज इट डू ट्वेंटी टॉफिस अमंग द फोर बाई गर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एंड द टेस्ट तो आपके टीचर के पास ट्वेंटी टॉफिस हैं और आपका जो टेस्ट हुआ है वहाँ पे जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ नंबर पर आए हैं वो ट्वेंटी ट्रॉफिस को उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो कैसे करेंगे चार जन हैं तो पहले क्या करेंगे पाँच पाँच टू ट्रॉफिस उनको दे देंगे तो इक्वली डिवाइड हो गया कि नहीं तो ये हम डिवाइड कर दिए आप सबको पता है यहाँ पे देखो ट्वेंटी टॉफिस है चार 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 करके देंगे तो कितने में डिवाइड हो गया वन टू थ्री फोर फाइव तो रिपीटेड सप्ताक्षर में करने से क्या होगा ट्वेंटी माइनस फाइव इजिक्वल टू कितना हो गया फिफ्टीन ये पहला फर्स्ट टाइम हो गया पहले स्टूडेंट को दिया फिर फिफ्टीन माइनस फाइव सेकेंड टाइम हो गया फाइव फाइव देने से टेन माइनस फाइव हो गया थर्ड टाइम और फाइव माइनस फाइव हो गया जीरो फोर्थ टाइम तो ट्वेंटी को फाइव के साथ फोर्थ टाइम डिविजन करने से हमारा जो ये आंसर निकल गया तो हेयर ट्वेंटी ये जो ट्वेंटी है ये क्या है डिविडेंड बोलते हैं इसको ठीक है और ये फाइव है उससे क्या बोलते हैं डिवाइजर और फोर क्या है कोशेंट ठीक है तो देखो डिविजन फैक्ट वी नो दैट फोर इंटू थ्री इक्वल टू ट्वेल्व आप सबको पता है फोर इंटू थ्री इक्वल टू ट्वेल्व तो डिविजन डिविजन फैक्ट मतलब क्या डिविजन फैक्ट ऑफ फोर इंटू थ्री इक्वल टू ट्वेल्व और 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3 एंड 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4 तो so 12 को 4 के साथ डिवाइड करने से उसका आंसर 3 होगा और 12 को 3 के साथ डिवाइड करने से उसका आंसर क्या होगा 4 तो सो एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट गिव टू डिवीजन फैक्ट तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है ये जो 3 4 3 12 तो उसका दो डिवीजन फैक्ट निकला तो हमारे जो सारे जो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स हैं उसका कितने कितने डिवीजन फैक्ट्स होते हैं दो दो ठो ठीक है एग्जाम्पल दिया है डिवाइड एटीन चॉकलेट्स इक्वली एमंग थ्री गर्ल्स एटीन चॉकलेट्स हैं उसको हमको थ्री गर्ल्स में इक्वली डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन दिया है देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं थ्री और टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने हैं एटीन तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स फॉर ईच गर्ल एटीन डिवाइडेड बाय थ्री तो एटीन जो चॉकलेट्स हैं उसको अगर हम थ्री के साथ डिवाइड कर देंगे तो हम एक जन को कितने चॉकलेट देंगे सिक्स चॉकलेट्स ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो से आर फॉलोइंग इक्वली ए नंबर दिया है फिफ्टीन पेंसिल्स एमंग फाइव स्टूडेंट्स और बी नंबर दिया है ट्वेल्व एप्पल्स एमंग फोर चिल्ड्रेन तो फिफ्टीन पेंसिल को अगर हम फाइव स्टूडेंट के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा सोल्यूशन देखो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल हमारे पास कितना है फिफ्टीन और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कितने हैं फाइव तो अगर हम फिफ्टीन को फाइव के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा नाउ द नंबर ऑफ पेंसिल्स टू बी ईच स्टूडेंट तो एमंगीन डिवाइडेड बाय फाइव इक्वल टू थ्री तो एक, एक स्टूडेंट को कितना पेंसिल आएगा थ्री पेंसिल बी नंबर का देखो एप्पल कितने दिए हैं ट्वेल्व टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स हो गया ट्वेल्व और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितने हो गए फोर तो एक जन को कित... तो एक चिल्ड्रेन को कितना एप्पल आएगा नाउ द नंबर ऑफ एप्पल्स टू बी बि चैड ईच चाइल्ड तो ट्वेल्व डिवाइडेड बाई फोर इक्वल टू कितना हो गया थ्री तो एक चिल्ड्रेन को थ्री टू एप्पल ठीक है तो ये जो आपका एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन है ये पूरा कर सकते हो आप फिल इन द बॉक्सेस देखो ये मल्ट डिविजन फैक्ट का दिया है थ्री इन टू एट इक्ल टू ट्वेंटी फोर सो डिविजन फैक्ट मतलब ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाईट इक्वल टू थ्री होगा यहाँ पे और ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई थ्री इक्वल टू यहाँ पे हो गया एट ठीक है टू नंबर देखो डिवाइड द फॉलोइंग बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन फाइंड देयर क्वेश्चन तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब कैसे करना है जैसे कि यहाँ पे बुक पे दिया है देखो एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ट्वेंटी माइनस फाइव दिया है फिफ्टीन माइनस फाइव दिया है ऐसे ऐसे करके हमको करना है तो ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव कर देना ट्वेंटी होगा ट्वेंटी माइनस फाइव हो गया फिफ्टीन तो आपको हमारा यहाँ पे सिर्फ फिर क्वेश्चन भी निकालना है ठीक है थ्री नंबर देखो फिलिंग द्क बॉक्सेस ट्वेंटी माइनस फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस फाइव टेन टेन माइनस फाइव 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 माइनस फाइव जीरो ये पूरा आसान है ऐसे करके यहाँ पे माइनस करके करके आपको लिखना है और फिलिंग द ब्लॉक्स बॉक्सेस यहाँ पे आपको टेबल के थ्रू लिखना है थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स तो थर्टी सिक्स सिक्स टेबल पे थर्टी सिक्स कहाँ पर है सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स तो यहाँ पे आपको सिक्स लिख देना है ठीक है तो ये जो आपका वन नंबर और ये टू और ये थ्री और ये फोर नंबर ये आपका होमवर्क है ये कर देना ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम हमारा जो प्रॉपर्टी सब डिविजन है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे